टू फैमिली कैसे सब लोग कि ना सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश पास आज जो है ना मैं आपको अपनी ब्यूटी सीक्रेट की कुछ चीज़ें बताने लगी हूँ अपने ब्यूटी सीक्रेट्स बताने लगी हूँ तो आप लोगों ने वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना तो आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी जो आप घर में रहते हुए कर सकते हैं और इतनी ज़बरदस्त स्किन जो है वो आपको मिल सकती है घर बैठे स्किन भी फिटनेस भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार अपनी फ़िटनेस के बारे में बताएँ कि आप इतना फ़िट कैसे रहती हैं अपनी स्किन केयर कैसे करती हैं तो मैंने कहा थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर कर देती हूँ बाकी की नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूँगी यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ दुनिया का दुनिया का बेस्ट से बेस्ट बेस्ट बेस्टरीन ऑनर जिसका कोई मुकाबला नहीं है वो है रोज वाटर स्प्रे तो जो कि मैं घर में ही बना लेती हूं ज़्यादातर जो मेरी कोशिश होती है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में बनाऊं और यहाँ पे जी मैं इसको तरीका बता रही हूँ मैंने एक पैन ले लिया है कोई सा भी पैन ले लें आप नॉन स्टिक की कोई शर्त नहीं है मैंने उसमें आपके सामने किस तरीके से शीशे का बाउल रखा है और मैंने पानी डाल के उसमें साइड पर पत्तियाँ डाल दी हैं शीशे का बाउल खाली होना चाहिए उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए और ऊपर मैंने क्या किया ऊपर मैंने बर्फ़ रख दिया है ताकि स्टीम भाप अच्छे से बने और मैंने जो उसका मुँह था उसके ऊपर मैंने लगा दी एक लौंग और ये पकने के बाद कतरा 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 जो है वो रोज उेजन वाटर बनता रहेगा और ये देखें आप किस तरीके से ये जो ऊपर है ये तो बर्फ का पानी है तो हमारा ज़ाया हो जाएगा मैं आपको प्याले में दिखाती हूं जितना भी इकट्ठा हुआ है और ये बन गया है हमारा रोज वाटर मतलब हमारी स्किन के लिए बेस्ट एंड बेस्ट डॉनर ठीक और ये तकरीबन सबकी स्किन पर जो है ना वो परफेक्ट बैठता है जैसे कि आजकल आपको पता है ब्राइडल का भी सीजन है शादियों का सीजन है तो बहुत सारी लड़कियां जिनको समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ हमें सूट करेगी तो ये तो जरूर आपको सूट कर जाएगा तो ये जो है ना मैं अपना घर में बनाकर ज्यादातर यूज कर अच्छा जो इसमें अब जो मैं चीज बताने लगी हूं आप लोगों ने वो देखनी है उसको यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगी यहाँ पे ये जो बन गया हमारा ऑर्गेनिक रोज़ वाटर ये तो आपका महीना दो महीना कहीं नहीं जाना वैसे तो चलना ही नहीं है मेरा हफ्ता नहीं चलता भैया मैं खत्म कर देती हूँ इसको यूज़ कर करके ये वाला जो है ना ये मेरा वन वीक जो है वो चल जाएगा इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी इसको मैं किसी भी रेमेडी में यूज़ करूँगी या फिर वैसे ही डायरेक्ट फेस पर लगा के पंद्रह मिनट बीस मिनट लगा के क्योंकि इसके बाद ना थोड़ी सी काली काली लेगना शुरू होती है स्किन और तो फिर इसको हमें धोना पड़ता है हम इसको लगा के बाहर नहीं जा सकते कहीं तो छुप सकते हैं बस तो इसको ना मैं मास्क में भी लगा लेती हूँ और और वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं हाथों पाँव पे भी कोई भी मास्क कोई भी रेमेडी उपटन वगैरह इसको भी ना मैंने स्प्रे वाली बॉटल में डाल लिया था ताकि मैं सात दिन तो इसको यूज़ कर सकूँ तो यहाँ पे मैं आपको हाथों पे लगा के ना इसका कलर चेक करवा रही थी कि इसका कलर कैसा है मैं आगे आपको फेस पर भी लगा के दिखाती हूँ इसको हम किस तरीके से और कैसे यूज़ करना है ठीक तो यहाँ पर जी हमारे ये दो टोनर बन गए हैं और ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये टोनर बन गया है रोज़ वाटर जो आपका है वो तो काफ़ी देर चलेगा यहाँ पर मैं आपको जिन लोगों को है कि जी हमें एजिंग होना शुरू हो गई हमारे इसकी

ना एक चम्मच रख लिया क्योंकि मेरा बाउल फट ना जाए ये एक बाउल तो मेरा फट चुका था क्योंकि मैंने गरम गरम डायरेक्ट डाल दिया था थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था और चम्मच भी रख लिया था तो इससे ये है ना मैंने इसमें निकाल लिया है ये है हमारा स्किन टाइटनिंग और मतलब सदा यवा जवान रहने वाला जवान कहने लगी थी जवान रहने वाला हमारा सीरम जो कि बाहर से हम सीरम खरीदें ना तो भैया लग पता जाता है इतने महंगे महंगे सीरम्स हैं कि हद ही कोई नहीं तो ये वाला जो सीरम है ना आप इसको किसी मास्क के अंदर मुल्तानी मिट्टी बेसन जिसके मर्जी अंदर डाल के इसको यूज़ करें नहीं तो डायरेक्ट पंद्रह बीस मिनट के लिए लगा दें जितनी भी स्किन लूज़ हो रही होती है ना वो आपकी टाइट होना शुरू होती है झुरियाँ पड़ी होती हैं वो झुरियाँ ख़त्म होना शुरू होती हैं मतलब भैया फ़िक्र करने की जरूरत नहीं है मैं हूँ ना आपकी स्किन को जवान रखने के लिए आप लोगों को फिट रखने के लिए तो मैंने कहा यार आज एक फ़िटनेस पे मोट जो है ना वो आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए एक वीडियो बना देती हूँ तो जो चीज़ें मैं करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं ये वीकली कर लूँ लेकिन मुझे दस बारह दिन गुजर ही जाते हैं ये चीज़ें करने में यहाँ मैंने एक चम्मच दही और एक चम्मच मैंने ले लिया था वो वाला सीरम जो अलसी का जो हमने निकाला था वो और मुल्तानी मिट्टी ले ली है और ये मैंने ले लिया है रोज़ वाटर ठीक तो इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना अगर आप लोग ये दस दिन बाद भी यूज़ करेंगे ना तो आप लोग खुद महसूस करेंगे कि आप लोग की स्किन जो है ना भाई वो टाइट हो गई है और अच्छी हो गई है स्किन ग्लोई ग्लोई सी इसके बाद मेरी स्किन माशा से अलमदुल्लि इतनी शाइनी फील हो रही थी ना और बाकी पिंपल वाले अब कहेंगे हम कहाँ जाएँ तो उनके लिए भी मैं हूँ हाफ टेंशन ना लें ये मैंने ना सुखा के रखा हुआ है नीम का पाउडर और थोड़ा सा इसमें वो है जी पुदीना नीम का पाउडर और मैंने इसको सुखा के रखा हुआ है सुखा के रखा हुआ है अभी काफ़ी देर चल जाएगा और मैंने इसमें डाल दिया खीरे का जूस खीरे का जूस डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया और इसकी वजह से ना जिनको पिम्पल्स आते हैं वो भी नहीं आएंगे तो यहाँ मैंने पंद्रह बीस मिनट के लिए इसको लगा लिया था और छोटा सा एक क्लिप आपके साथ शेयर कर दिया था कि आप लोग को पता चले भाई लगाया भी है ही मैंने अच्छा जी यहाँ पे मैंने ले लिया है जी वो जो हमारा रोज बचा हुआ था ना रोज़ जेल वही रोज जेल ही रोज जेली बोलेंगे तो वो मैंने इसको पंद्रह मिनट के लिए फिर इसके स्किन पे लगा लिया अच्छे से क्लेंसिंग कर ली और फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया एक और टोनर जो है मैं अपनी स्किन के लिए बनाती हूँ तो वो भी मैं आपको बताने लगी हूँ कि वो टोनर कौन सा है वो टोनर है जनाब आप लोगों ने सिंपल रोज वाटर लेना है और उसमें आप लोगों ने पता क्या मिक्स करना है मैं भी आपको बताती हूँ अच्छा जी ये तो हो गया मेरा रोज वाटर जो मैंने फेस पे लगाया है अब ये देखें, ये भी रोज वाटर है अब मैंने इसमें क्या डाला हुआ है इसमें डाले हुए मैंने अनार के छिलके ठीक है और अनार जब तो हम खाते हैं बस छिलके वो बेस्ट है ना बस ये स्प्रे जो है ना ये इसमें कुछ दाने फंस गए हैं। इसको मैं छान लेती हूँ और ये इतना जबरदस्त टोनर है स्किन के लिए इतना जबरदस्त है इससे मेरी स्किन इतनी शाइन इतनी ग्रो करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती बहुत अच्छी चीजें हैं अगर आप ये सब चीजें कर लेना तो मैं कहती हूं कि फ्री खाते में यार फ्री में आपकी स्किन इतनी ज्यादा शाइन इतनी ज्यादा ग्रो कर सकती है कि आप लोग जब करेंगे तो आप लोग फिर मुझे दुआएं देंगे अच्छा जी कुछ तो मेरी अब स्किन केयर हो गई थी बाकी ये कि मैं ना एक वाइटामिन जो है ना वो लाजमी ले लेती हूँ कोशिश करती हूँ कि एक वाइटामिन दिन में मैं लाजमी ले लूँ चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो वाइटामिन ज़रूर खा लिया गया ठीक यहाँ पे मैंने ले लिया था कोकोनट ऑयल और बर्तन शर्तन धोने के बाद आई थी तो मैंने कहा अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लूँ फेस पर भी लगा लूँ हल्का सा ताकि स्किन मॉइस्चराइज हो स्किन भी मॉइस्चराइज होगी हमारी अब हम अपने वेट की तरफ आ जाते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा वेट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं यहाँ पे मैं लेती हूँ ब्लैक कॉफी अब सर्दियाँ आ गई हैं ब्लैक कॉफी कावा आप लोग लाजमी ले लिया करें यहाँ ब्लैक कॉफ़ी की मैंने रेसिपी भी शेयर कर दी कि लोगों को ये ना हो कि पता नहीं ब्लैक कॉफ़ी होती क्या है किस तरह बनाते हैं सिंपल एक पानी गर्म करना है एक कप पानी ठीक है और उसमें हम लोगों ने एक चम्मच ब्लैक कॉफ़ी डाल के आधा लेमन निचोड़ना है लेमन अगर आप नहीं निचोड़ना चाहते कोई गले वाले का इशू है तो आप लोग रहने बेशक लेकिन मुझे ये सूट कर जाता है तो मैं इसलिए यूज़ कर लेती हूँ तो मैं ये लेती हूँ दोपहर के खाने के बाद आधा घंटे बाद ताकि मुझे ये सूट कर जाए कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह ना हो तो ब्लैक कॉफी मैं लाजमी लेती हूँ ताकि इससे मेरा वेट जो है वो कम तो नहीं हो रहा अभी फिलहाल क्योंकि मैं साथ साथ खाए पिए जा रही हूँ लेकिन मेनटेन है फिट है और अपनी जगह पर बरकरार है आई होप कि आपको मोटिवेशन मिली होगी वीडियो अच्छी लगी होगी क्लिप कंप्लीट करने के लिए ये क्लिप लगाना पड़ा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज